240 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना एमएस धोनी के 49वें ओवर में रनआउट होने के साथ ही टूट गया था। इसके बाद से ही धोनी के करियर को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी। इस बीच लता मंगेशकर ने ट्वीट कर भारतीय टीम के लिए गुलजार का गीत शेयर किया। उन्होंने धोनी से अपील की कि वे रिटायर होने के बारे में सोचे भी नहीं। लता ने टीम इंडिया के लिए लिखा, कल भले ही हम जीत ना पाए हों, लेकिन हम हारे नहीं हैं। गुलजार साहब का क्रिकेट के लिए लिखा हुआ ये गीत मैं हमारी टीम को डेडिकेट करती हूँ। दूसरे ट्वीट में लता ने लिखा, नमस्कार एमएस धोनी जी, आजकल मैं सुन रही हूँ कि आप रिटायर होना चाहते हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए, देश को आपके खेल की जरूरत है और मेरी भी रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन में मत लाइए। सेमीफाइनल में धोनी ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में 240 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 221 पर सिमट गई। टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल रहा। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली केवल 101 रन बनाकर आउट हुए। मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 50 रन और रविंद्र जडेजा ने 77 रन बनाए थे।